नौजवान थे, दो भाई थे, वालिद का विशाल होता है तो तड़के की बात आती है तब भी जरा तो उसमें जैसे माल थे जो दौलत थी सब तकी होता है। तीन मोल मुबारक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीन बाले मुबारक उसके वालिद के पास थे। जब तकसीम की बारी आई तो बड़े भाई ने कहा कि इसकी भी उसी तरह तकसीम की जाए जैसे माल की तकसीम बिल्कुल आधा। छोटे भाई ने कहा कि नहीं, एक हमारे हिस्से में आता है, एक आपके हिस्से में आता है, एक बचता है और मेरे सरकार के मोए मुबारक पर कैंची चले खंजर चले के मुझे बर्दाश्त कर। बड़े भाई ने कहा जब तुमको इतनी मोहब्बत है इससे तो आपकी सारी दौलत जो दो तुम के सारे मोह मुबारक है। छोटे भाई के काम मुझे मंजूर है, सारी की सारी अपनी दौलत अपने बड़े भाई को दे। अब इसके इसके बस सरकार का मोह मुबारक, सरकार का मोह मुबारक है। इसका मामूल ये है कि सुबह शाम खड़े होकर के मोह मुबारक के सामने ज्यारत कर रहा है और अपने बात पर दुरू सलाम आनंद ये हुआ कि धीरे 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 जो बड़ा भाई था उसे जवान आना शुरू हुआ और जो छोटा भाई था इसे कमाल आना शुरू हुआ। उसकी दौलत खत्म होती चली गई, इसकी बढ़ती चली गई, यहां तक उसके विशाल के बाद वहां के एक वलीउल्लाह के ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं कि अगर किसी को अपने दुआओं में मकबूलियत और मुस्तजाबियत चाहिए, अगर कोई अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहता है तो उस नौजवान शख्स के कब्र पर जाकर दुआ मांगे, अल्लाह की बरकत से उसकी दुआ को कबूल कर ले। क्या मैं सिर्फ उसको ये बताना चाहता हूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक का अदब सबसे ज्यादा जरूरी है और यकीनन इसके बाबरकत शय दुनिया के अंदर कुछ है कोई नहीं, काबा भी इससे ज्यादा बाबरकत है, अर्शुल्लाह भी इससे ज्यादा बाबरकत है। आप अंदाजा करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जगह आराम फरमा है, जहां आराम फरमा है और मिट्टी का वो हिस्सा आपके वो दर्रे जो जसदे रसूल से लगे हुए हैं, जिसमें रसूल से जो हिस्सा लगा हुआ है, जुज़्वे रसूल नहीं है, जिस्म से जो लगा हुआ है, उलमा फरमाते हैं कि वो दादे से भी अफजल है और आज से भी अफजल है। वो हिस्सा रसूल जिस्म से जो लगा हुआ है, खाद का वो जर्रा मिट्टी, वो मिट्टी जो जसदे रसूल से लगा हुआ है वो काबा से अफजल, अर्श से भी अफजल है। तो आप अंदाजा फरमाएं कि फिर जसदे रसूल का क्या मकाम होगा, जुज़्वे रसूल का क्या मकाम होगा। और हमारी यह खुश नसीबी है कि हम अभी अभी करेंगे और नहायत अदब और एहतराम, इसलिए कि अदब ही सब कुछ है।
ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے کہ رب کریم علی جناب مولانا صبیح الدین اشرفی علیہ رحمت و رضوان جن کے بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے اور ان کے اشارے ثواب کی خاطر اس مجلس کا انعقاد کیا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ کے نظر نصیب فرمائے. ہمارے یہاں کے بڑا بات الحمد للہ رب العالمین. اور دوسری بات خاص طور سے دھیان رکھیں کہ وہ مبارک کی زیارت میں